अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बच्चे आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। जी बच्चे, आई एम मिसेस अफशा अली, ए पी फिज़िक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, केयर रोड पक्का। उम्मीद है बच्चे आप लोगों ने प्रीवियस 7 चैप्टर्स अच्छे तरीके से रिमाइंड कर लिए होंगे और उनको प्रिपेयर भी कर लिया होगा, और आप लेक्चर्स प्रिपेयर करने के बाद डिस्टेंस पे राइट भी कर रहे होंगे, और पेपर ए और बी जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया वो भी आप लोग साथ साथ रिवाइज़ कर रहे होंगे। जी बच्चे, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे होंगे चैप्टर नंबर 8 पेपर डी फिज़िक्स। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक न्यूक्लियर रिएक्शन से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में देखें आप, प्रोसेस बाय विच चेंज कैन बी मेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर रिएक्शन। ऐसा प्रोसेस जिसमें जिसकी वजह से न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आए उसको हम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर रिएक्शन का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ न्यूक्लियर पार्टिकल और अ न्यूक्लियस इज़ यूज्ड एज अ प्रोजेक्टाइल टू पेनिट्रेट इनटू एंड इंटरैक्ट विद द टारगेट न्यूक्लियस, इट इज़ सेड दैट अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज़ प्रोड्यूस्ड। तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल, इसमें देखें न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन में, ये टॉपिक न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन का बच्चे सेकेंड ईयर में भी आप कर चुके हैं, सेकेंड ईयर का न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन वाला टॉपिक, ठीक है। एंड न्यूक्लियर रिएक्शन इज़ पॉसिबल इफ़ टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स इज इक्वल और ग्रेटर दैन द टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इक्वेशन देखें, ए प्लस एक्स वाई प्लस बी, ये हमारे पास पेरेंट एलिमेंट होता है और ये डॉटर एलिमेंट। ए प्लस एक्स वाई प्लस बी प्लस क्यों, ये हमारे पास एनर्जी आ जाती है जो इस रिएक्शन के दौरान हम गेन करेंगे। दिस रिएक्शन 1 and 2 टेक्स प्लेस इफ़ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ टारगेट एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स ग्रेटर हो या इक्वल हो रेस्ट एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस से काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस रेस्ट मास, ठीक है। तो यहाँ पर देखें बच्चे, प्रोडक्ट पार्टिकल बी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। क्यू वैल्यू में देखिए, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज़ ग्रेटर दैन टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, दैन एक्सेस एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ गामा रे फोटॉन, दिस एनर्जी इज कॉल्ड क्यू एनर्जी और क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन एज शोन इन इक्वेशन 2। जैसे इक्वेशन 2 में मैंने आपको ये क्यू वैल्यू का बताया, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखें, नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, ये रेडियम को रेडॉन में चेंज करेंगे। अ न्यूक्लियर रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस एट इट्स ओन विदाउट एनी बम्बारमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये रेडियम को हमने रेडॉन में चेंज किया है, हीलियम पार्टिकल इमिट हुआ, अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट इट्स ओन अकॉर्ड बिकॉज रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रेडियम इज ग्रेटर दैन सम ऑफ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रेडॉन एंड हीलियम। द एक्सेस एनर्जी इज टेकन अवे बाय द अल्फा पार्टिकल हीलियम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन में देखिए, इफ़ सम ऑफ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ अ रिएक्टेंट पार्टिकल इज लेस देन द सम ऑफ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल द न्यूक्लियर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस एज इट्स ऑन अकॉर्ड। अगर बच्चे सम ऑफ जो सम होगा रेस्ट मास एनर्जी रिएक्टेंट पार्टिकल की कम हो जाए सम ऑफ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल से, तो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होगा। नाउ रिएक्टेंट और इंसिडेंट पार्टिकल, इंसिडेंट पार्टिकल और प्रोजेक्टाइल इसमें मेड टू कोलाइड विद टारगेट, के वो टारगेट के साथ कोलाइड करें, और रिएक्टेंट न्यूक्लियस विद सच अ हाई स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी दैट टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट बिकम इक्वल और ग्रेटर दैन द टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड हैंस द टोटल एंड द न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ तक के बच्चे उस वक्त तक होगा जब तक कि यहाँ पे टोटल एनर्जी रिएक्टेंट की इक्वल या ज़्यादा ना इक्वल हो या ग्रेटर ना हो जाए टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से, तो फिर न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, ठीक है बच्चे। इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस। अल्फा पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम रेडियम हैज़ इनफ लार्ज काइनेटिक एनर्जी टू रीच सरफेस ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस एंड बी कैप्चर्स बाय इट। एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड एंड प्रोडक्ट पार्टिकल विच इज़ प्रोटॉन इज इमिटेड। फिर अब हमारे पास देखिए, नाइट्रोजन है, ये हीलियम है, इनको सम हमने क्या ऑक्सीजन मिला और हमें ये प्रोटॉन हमें मिला, ठीक है बच्चे। इन जनरल हम इसको ऐसे लिखेंगे ए प्लस एक्स एंड वाई प्लस बी, इनको इस तरह से शो करेंगे हम जनरल फॉर्म में।
फॉर्मेशंस ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, कंपाउंड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कैसे होती है देखें। इफ़ द एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल और इंसिडेंट पार्टिकल इज़ लेस देन 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, अगर एनर्जी प्रोजेक्टाइल के इंसिडेंट पार्टिकल की कम होगी 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा इन टू वेल डिफाइंड स्टेप्स में। इन फर्स्ट स्टेप, दो स्टेप्स में होगा। फर्स्ट स्टेप में देखिए, इंसिडेंट पार्टिकल इंटरेक्ट विद टारगेट न्यूक्लियस एट रेस्ट एंड फॉर्म अ कंपाउंड न्यूक्लियस। फर्स्ट स्टेप में जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो टारगेट के साथ इंटरेक्ट करेगा टारगेट न्यूक्लियस के साथ और कंपाउंड न्यूक्लियस बनाएगा हुज मास नंबर एंड चार्ज नंबर आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द सम ऑफ द मास नंबर एंड चार्ज नंबर ऑफ इट्स टू कंपोनेंट्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। यहाँ पे देखें बच्चे, जो चार्ज नंबर हैं और मास नंबर सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा जब ये कंपाउंड न्यूक्लियस बनाएंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखें द कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियाई लॉस देयर आइडेंटिटी। जो न्यूक्लियाई होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियाई, वो अपनी आइडेंटिटी को खो देगा, नया हमें बने मिलेगा। इन द नेक्स्ट स्टेप द एक्साइटेड कंपाउंड न्यूक्लियस अंडर गो डिके इन टू द प्रोडक्ट। तो वो डिके प्रोसेस में आ जाएगा। द डिके प्रोसेस डिपेंड ओनली अपॉन द स्टेट ऑफ एक्साइटेशन ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस। जो कंपाउंड न्यूक्लियस की एक्साइटेड स्टेट पे डिपेंड करेगा कि कितनी है, इज़ क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्टिकुलर मोड ऑफ इट्स फॉर्मेशन। तो उस पर डिपेंड नहीं करता कि किस तरह से ये बना है। अ न्यूक्लियर रिएक्शन विल द विद द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड न्यूक्लियस इज ए प्लस एक्स। यहाँ पे कंपाउंड न्यूक्लियस हमें मिला है, यहाँ पे हमें रिएक्टेंट का हमें प्रोडक्ट मिला है वाई प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए अल्फा और जो है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है हमारे पास, यहाँ पे देखें बी 5 10 और H2O4 से हमें नाइट्रोजन 7 14। ये कंपाउंड फॉर्म में हमें मिला, यहाँ से हमें कार्बन और प्रोटॉन मिला। ये अल्फा प्रोटॉन जो है पार्टिकल रिएक्शन है और ये जो प्रोटॉन अल्फा रिएक्शन देखिए लिथियम है, प्रोटॉन है, इन दोनों को बेरियम हमें मिला है, हीलियम पार्टिकल हमें 2 मिले। ड्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शंस में देखें, इनको भी हमने इसी तरह से इंटरेक्ट किया है। कंपाउंड न्यूक्लियस इधर हमें मिले, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल, इधर भी अल्फा पार्टिकल, इधर भी नाइट्रोजन हमें मिला है। तो ड्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन में देखें बच्चे, यहाँ पे भी हमें कंपाउंड न्यूक्लियस को हमने ऐड किया जी प्लस 1 और यहाँ पे ए प्लस 2 किया, फिर हमें ये रिएक्टेंट मिला है। सेम ऐसे ये रिएक्शन है, ड्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन, ये बच्चे ये रिएक्शन है। ठीक है, इनको आप अच्छे से देख लें। ये नेक्स्ट रिएक्शन बच्चे ये चल रहे हैं, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शंस, ये आपके रिएक्शंस हैं न्यूट्रॉन के साथ हैं। कंपाउंड न्यूक्लियस ये देखें, इधर भी कंपाउंड न्यूक्लियस मिला, इधर देखें, फिर हमने न्यूट्रोजन नाइट्रोन न्यूट्रॉन के साथ किया ये। ठीक है, ये डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, इनको आप अच्छे तरीके से देख लें बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू वैल्यू और ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। नेक्स्ट जो तो है देखें क्यू वैल्यू, द एनर्जी रिलीज इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन। जो बच्चे न्यूक्लियर रिएक्शन जितने भी अभी ये हुए हैं, इनमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम क्यू से शो करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड द क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। क्यू इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम ए माइनस एम वाई माइनस एम बी सी स्क्वायर। जितनी भी हैं हमारे पास एक्स है, ए है, वाई है, बी है, इन टोटल की एनर्जीज का जो हम लेंगे इसमें से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को माइनस करेंगे, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्यू की वैल्यू है। क्यू एनर्जी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्यू एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। नेक्स्ट देखिए बच्चे, एक्सोथर्मिक और एक्सोर्जिक रिएक्शंस। अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच ऐसा रिएक्शन इन विच एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होगी उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम देंगे। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्यू वैल्यू इज पॉजिटिव। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्यू वैल्यू पॉजिटिव होगी। एंडोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड टू स्टार्ट रिएक्शन। जब ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें हम एनर्जी सप्लाई करेंगे बाहर से न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस का नाम देंगे। इनिट क्यू लेस देन जीरो। अब देखें थ्री शोर एनर्जी, देखें बच्चे द मिनिमम एनर्जी सप्लाइड बाय इंसिडेंट पार्टिकल और प्रोजेक्टाइल टू मेक न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल इस कार्ड थ्री शोर एनर्जी। वो कम से कम एनर्जी जो बच्चे सप्लाई की जाती है इंसिडेंट पार्टिकल को या प्रोजेक्टाइल को कि वो न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करें,
तो उस एनर्जी को हम थ्री शूट एनर्जी का नाम देंगे। ठीक है बच्चे, अब न्यूक्लियर फिशन देखें बच्चे, द प्रोसेस बाय ब्रेकिंग अ हैवी न्यूक्लियाइड्स इंटू टू मिडल ब्रेन न्यूक्लियाइड्स विद द रिलीज ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसका न्यूक्लियर फिशन। ये न्यूक्लियर फिशन का टॉपिक बच्चे आप सेकेंड ईयर में कंप्लीट डिटेल से कर चुके हैं। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम हैवी न्यूक्लियाइड्स को टू मिडल रेंज न्यूक्लियाइड्स में ब्रेकअप कर देंगे और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगी, तो इसको हम न्यूक्लियर फिशन का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, वेना थर्मल न्यूक्लियर न्यूट्रॉन इज स्लो मूविंग न्यूट्रॉन विद एनर्जी 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एट रूम टेम्परेचर स्ट्राइक यूरेनियम न्यूक्लियाइड्स। देखिए ये न्यूट्रॉन को हमने यूरेनियम से टकराया तो यहाँ यूरेनियम 92-236 हमें मिला बेरियम और क्रिप्टॉन, टू न्यू रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स बेरियम एंड क्रिप्टॉन आर फॉर्म्ड, ये हमें मिलेंगे। प्लस हमें थ्री न्यूट्रॉन्स एंड प्लस क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगी इस प्रोसेस के दौरान। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये है थ्योरी में, फोर हैवी एटम ए ग्रेटर या इक्वल 240 बाइंडिंग फ्रैक्शन इज स्मॉल देन दैट फॉर मिडल रेंज एटम, सो एनर्जी इक्वल टू डिफरेंस इन टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट्स न्यूक्लियाइड्स एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाइड्स अपीयर एज न्यूक्लियर एनर्जी विच इज रिलीज इन फिशन ऑफ एन एटम। ठीक है बच्चे, अब टिपिकल फिशन में देखें, इन अ टिपिकल फिशन रिएक्शन इवेंट्स यूरेनियम 92-235 न्यूक्लियस अब्जॉर्ब अ थर्मल न्यूट्रॉन प्रोड्यूसिंग अ कंपाउंड न्यूक्लियस यूरेनियम 92-236 इन अ हाईली एक्साइटेड स्टेट। दिस अनस्टेबल कंपाउंड न्यूक्लियस, ठीक है, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड न्यूक्लियस है, अंडरगोज थ्रू फिशन प्रोसेस स्प्लिटिंग इंटू टू फ्रेगमेंट्स XE14 एंड SR94 एंड इमिटिंग टू न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये हमें देगा, या फ्रेगमेंट्स आर बोथ हाईली अनस्टेबल सो अंडर गो थ्रू चेन डिसइंटीग्रेशन बाय बीटा डिके टिल ईच रीच टू स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे, ये आपका टॉपिक यहाँ तक है। देखिए यहाँ पे हमने फिर इसके रिएक्शंस हैं आपके, यहाँ तक आपने करना है। इसकी भी क्यू एनर्जी या क्यू वैल्यू को आप देखें, द एनर्जी रिलीज इन अ सिंगल न्यूक्लियर फिशन इज क्यू एनर्जी फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी कर्व, इट इज़ क्लियर दैट फ्रॉम हैवी न्यूक्लियाइड्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए नियरली इक्वल 240 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज नियरली 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फॉर इंटरमीडिएट रेंज एटम ऑफ ए नियरली इक्वल टू 120 ए बाई इट इज़ नियरली 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो इफ द हैवी एटम इज सपोज टू ब्रेक इन टू टू फ्रेगमेंट्स ऑफ नियरली इक्वल मैस of A by 2 then Q is the equal to total energy binding energy of two fragments each mass number A by 2 minus binding energy of original nucleides of mass number A, so Q is equal to 8.5 multiply A by 2 plus 8 by 5 multi A by 2 minus 7.6 cross A। ये हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है बच्चे, तो Q की वैल्यू हमारे पास आई 216 मेगा इलेक्ट्रॉन नियरली इक्वल टू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अनस्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी टू स्टेबिलिटी, ये टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक बच्चे आप ये रिएक्शंस वाला टॉपिक कंप्लीट करें। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक्स किए हैं, लेक्चर हम लोगों ने बच्चे यहाँ से स्टार्ट किया चैप्टर न्यूक्लियर रिएक्शंस उसके प्रिंसिपल्स। ठीक है बच्चे, ये कंप्लीट आप लोगों ने टॉपिक्स, ठीक है, ये नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शंस, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, इसके रिएक्शंस, यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक, ठीक है, रिएक्शन थ्री शूट एनर्जी, न्यूक्लियर फिशन इसके एग्जांपल, ठीक है, और फिर थियरीज के आगे टिपिकल फिशन एंड क्यू एनर्जी, यहाँ तक बच्चे आपने कंप्लीट इसको अच्छे से करना है। बच्चे लर्न योर लेक्चर, आफ्टर लर्निंग योर लेक्चर राइट दिस लेक्चर ऑन योर रजिस्टर एंड आफ्टर व्यूइंग लेक्चर सेंड मी योर अटेंडर्स, राइट योर नेम रोल नंबर एंड सब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, अपने लेक्चर को डेली साथ साथ इसको प्रिपेयर करें, इसको अपने रजिस्टर पे राइट करें ताकि मुझे पता चले आप लोगों ने बच्चे लेक्चर साथ साथ तैयार कर लिया। थैंक्स।